हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रेज एजुकेशन। आज के इस क्लास में जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2015 के पेपर वन और पेपर टू को डिस्कस करने वाला हूं। अभी इस लेक्चर को 2023 में डिस्कस कर रहा हूं। 2015 में जो जेपीएससी का सिलेबस था वह कम्प्लीटली डिफरेंट था, तो उसी के चलते देखिएगा तो पेपर वन और पेपर टू में मिलाकर 2015 में कुल जो क्वेश्चन 27 पूछा गया था, तो 27 क्वेश्चन को फुली एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आपको मजा आ जाएगा। बाकी इतना ज़्यादा मटेरियल है कि आपको एक बार में तो याद होगा ही नहीं, तो पीडीएफ रख लीजिएगा @learnersgraduation टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ओके, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और फ्रूटफुल रहने वाला है, एंड तक बने रहें। लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन है, संथालों के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं, या फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में से आता है कि जो अलग अलग जनजाति हैं उनके ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है, या फिर धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। ये सब फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में से आता है। ऑप्शन है महतो, पाहन, मुखिया या फिर मांझी। सही आंसर इसका डी होगा। संथाल जनजाति का जो शासन व्यवस्था होता है उसको क्या बोलते हैं, तो मांझी परगना शासन व्यवस्था। इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है, अभी सारा चीज डिस्कस करने दीजिए, उसके बाद इस पॉइंट पे आऊंगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है उसको मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं। जो गांव का प्रधान हेड मुखिया होता है उसको मांझी कहा जाता है। मांझी का सहायक भी होता है उसको प्राणी कहा जाता है। नेक्स्ट प्राणी का सहायक होता है उसको जोग मांझी कहा जाता है। तो इसको ना उप सचिव के जैसा यह कार्य करता है। अगर देखिएगा काम तो प्राणी की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार देखता है, जिस तरह से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का जो कार्यों का निर्वहन होता है वह उपराष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह से बोल सकते हैं कि वह जैसे जोग मांझी करता है, प्राणी का सहायक होता है, उसी तरह से जोग प्राणिक भी है या जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को देखता है, यानी कि कार्यों को संभालता है। नेक्स्ट आता है गोड़ायत, यह एक संदेश वाहक होता है, याद रखिएगा ये सब फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में से आता है कि गोड़ायत क्या होता है। तो संदेश वाहक होता है, एक मैसेंजर होता है। इसका मेन काम होता है कि मांझी का जो संदेश है वह जहां वह के लिए वह संदेश देगा उसको पहुंचाना, यानी कि यह मैसेंजर के जैसा कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे संथाल जनजाति में लासे टांगे होते हैं। तो लासे टांगाए को ये जो शब्द है उसका मतलब होता है तेज कुल्हाड़ी। और ग्राम का जो रक्षा दल होता है, वैदिक सभ्यता में वैदिक काल में आपको पता होगा क्षत्रिय लोग थे, उनका मेन काम क्या था, रक्षा करना। तो उसी तरह से बोल सकते हैं कि यह काम करता था, इनका काम था गांव को रक्षा करना। तो लासे टांगाए को याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है भगदो प्रजा, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है भगदो प्रजा से। तो ग्राम के कुछ समझदार और वरिष्ठ लोग होते हैं जिन पर कोई पार्टिकुलर मैटर पर सलाह विचार किया जाता है, सलाह मशवरा किया जाता है। ओके, तो उनको भगदो प्रजा कहा जाता है। नेक्स्ट धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, धार्मिक प्रधान और गांव का प्रधान क्या कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है कुदाम नायके। तो कुदाम जो नायके होता है वह नायके का सहायक होता है। तो धार्मिक प्रधान यहाँ पे नहीं पूछेगा ना, तो अगर पुजारी पूछेगा तो आंसर वही होगा ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ पे एक देश होता है। तो देश किसको कहते हैं संथाल जनजाति में, समझिएगा, 5 से 8 गांव को मिलाकर जो एक चीज बनेगा उसको देश कहा जाता है, यानी कि 5 से लेकर 8 गांव से मिलकर एक देश बनता है, और उसका जो प्रमुख होता है उसको देश मांझी कहा जाता है। तो रटने में तो दिक्कत होगा नहीं, ओके ना, गांव का जो प्रधान होता है उसको मांझी कहा जाता है, तो देश का जो प्रधान होगा उसको देश मांझी कहा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है परगना। परगना क्या होता है कि कई देश मिलाकर, यहाँ पर देश का मतलब कंट्री नहीं है, देश समझ रहे हैं ना, 5 से 8 गांव को मिलाकर जो बना था देश, तो उसी तरह से जो है कई देश मिलाकर लगभग इसमें देखिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 गांव जो है एक देश जो है एक परगना में शामिल होता है। तो इतना गांव मिलाकर जो है एक देश बनता है और उसका प्रमुख को परगनेत कहा जाता है, यानी कि परगना के प्रमुख को परगनेत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंद्रावंशी। तो सेंद्रावंशी होता है संथाल समाज का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है, ठीक है, प्रमुख जो होता है उसको देवरी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो संथाल समाज है उसका जो उच्च न्यायालय उसके प्रमुख को देवरी कहा जाता है, ये सब जो सेंद्रावंशी होता है उसका। नेक्स्ट आता है लोबिर सेंद्रा। तो जो लोबिर सेंद्रा है वह संथाल समाज का सर्वोच्च न्यायालय है, ओके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। ये सब पॉइंट कुछ याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ नोट करके लिखा हुआ है बिटलाहा, देखिएगा तो बिटलाहा को सबसे कठोर जनजातीय दंड माना जाता है। ये एक्चुअली दिया जाता है संथाल जनजाति में, लेकिन पूरा जनजाति में देखिएगा तो इससे कठोर दंड कोई नहीं है बिटलाहा। और ध्यान रखिएगा बिटलाहा कब किया जाता है, तो बिटलाहा एक तरह का सामाजिक बहिष्कार होता है। अगर कोई जो है से समगोत्रीय विवाह कर लिया, यौन अपराध कोई कर देता है, या फिर डायन बिसाही का मामला आ जाता है, तो उसमें जो है से बिटलाहा कर दिया जाता है, यानी कि उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ए रहेगा कि जो बिटलाहा करने का अधिकार है वह परगनेत के पास होता है, यानी कि जो परगना का जो राजा होता है, प्रमुख होता है, उसी के पास जो है बिटलाहा करने का अधिकार है। कोई ऐरा गैरा आया और जो है बिटलाहा नहीं कर देगा, ओके, परगनेत करेगा। अब आइए कुछ आपको जो है समझाते हैं पॉइंट। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे जो ग्राम का जो प्रधान था उसको क्या बोलते हैं, मांझी। तो लोअर लेवल मांझी हो गया और अपर लेवल पर यहाँ पे परगना होता है ना, इसीलिए इसको मांझी परगना शासन व्यवस्था बोला जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे जो है मांझी शासन करता है और परगना में जो है परगना शासन करता है, तो इसीलिए इसका नाम मांझी परगना दिया गया है। ये सब कुछ याद रखिएगा, ओके। हाई लेवल पर परगनेत ही होता है। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। संथाल जाति के बारे में देख लीजिएगा, संथाल जनजाति पूरे भारत का और झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार, ये सब झारखंड की प्रथम पांच बड़ी जनजातियां हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। कब संथाली भाषा तो आपको पता होगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से बिलोंग करता है। इसका लिपि है, उसका नाम है ओल चिकी, पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा डेवलप किया गया है, यानी कि गुरु गोमके के द्वारा। ये सब कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाद्रपद के हिंदी महीने में आदिवासियों की कौन सी पूजा होती है, रामनवमी, सरहुल, कर्मा या फिर सोहराय। आंसर इसका कर्मा होगा। तो भाद्रपद बोले या फिर भादो महीना ही बोलेगा तो भी टिक लगा लीजिएगा, तो कर्मा होता है। और ये चीज याद रखिएगा, जो कर्मा त्यौहार होता है तो भादो में सेलिब्रेट किया जाता है, यह जो है जो ऐसे तो जनजातीय त्यौहार है लेकिन अब सब कोई जो है मनाते हैं जो है कर्मा को। तो यह रक्षाबंधन के समतुल्य होता है ना, ध्यान रखिएगा, ओके, यानी उसी से तुलना किया जाता है जो जनजातीय त्यौहार है कर्मा, रक्षाबंधन से, तो इसको याद रखिएगा। तो आइए कुछ झारखंड में कुछ पर्व है उसको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आता है हल पुनिया। तो हल पुनिया माघ महीने के पहले दिन मनाया जाता है, अखंड जत्रा निकाला जाता है, जुलाई के शुरुआत में इसको मनाया जाता है, और ये जो होता है वह अच्छे भाग का प्रतीक माना जाता है हल पुनिया। नेक्स्ट आता है फगुआ। तो फगुआ फागुन महीने में मनाया जाता है, चीज याद रखिएगा, और होली का यह झारखंडी रूप है, उस समय नृत्य भी किया जाता है, उसको फगुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्मा। तो ऐसे तो आपको बोल दिया कि यह भादो में मनाया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि यह भादो में शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है, ये सब याद रखिएगा। चांडी पर्व माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। चांडी पर्व यह काली माता को समर्पित है ना, ध्यान रखिएगा। चांडी पर्व में जो है पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, और कहा जाता है कि अगर कोई परिवार का महिला सदस्य प्रेग्नेंट है तो उसका पुरुष भी जो है भाग नहीं ले पाएगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा सरहुल। तो सरहुल जो है चैत्र माह में शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरहुल, सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन। तो चैत्र में यानी कि चैत्र महीना में शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है और इसको नौ वर्ष के रूप में मनाया जाता है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आया है कि कौन सा त्यौहार को नौ वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो यह सरहुल पर्व है। और ऐसे भी समझ लीजिएगा कि यह चैत्र महीना में मनाया जाता है, तो जो हिंदी महावरा महीना होता है चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, तो उसमें पहला महीना जो आता है वह चैत्र ही आता है। नेक्स्ट है वंदना। वंदना कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है और पशुओं का त्यौहार है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है जावा। तो यह बैसाख मनाया जाता है, यह अविवाहित आदिवासी कन्याएं मनाती हैं, और इसके मनाने के पीछे का पर्पस होता है कि हम लोग चाहते हैं कि अच्छी उर्वरता हो, ठीक है, फसल में और या खेतों में बोल सकते हैं, और यह परिवार के खातिर मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है टुसू पर्व। यह पौष माह में मनाया जाता है और मकर संक्रांति भी हो सकता है, ऑप्शन आपको देखने को मिले। मेनली रूप से कुर्मी जनजाति जो है इसको मनाती है, क्योंकि टुसू जो है एक लड़की का नाम था, तो टुसू वह जो थी वह कुर्मी जनजाति से ही बिलोंग करती थी, ओके। तो राजा के अत्याचार के चलते जो है सो वह नदी में जो है कूदकर प्राण दे देती थी, एक कथा है उसके अनुसार, तो उसीलिए जो है हम लोग जो है यह पर्व मनाते हैं। तो याद रखिएगा टुसू, और इसमें अलग अलग जो है रंग बिरंगे जो है बोल सकते हैं कि मतलब लकड़ी से चीज बनाया जाता है एक तरह का, अलग अलग देखिएगा तो बनाया जाता है, तो सजाया जाता है बांस के त्यौहार से, मतलब टुसू को सजाया जाता है और उसका फिर विसर्जन कर दिया जाता है, ये सब कुछ याद रखिएगा। टुसू की प्रतिमा को सजाया जाता है, कहने का मतलब है। नेक्स्ट आता है रोहिणी पर्व। तो रोहिणी पर्व जैसे फसल बोने का यह पर्व है, इसको याद रखिएगा। और पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि झारखंड का जब ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग जाइएगा तो इसको लिखा गया है रोहिणी पर्व को कि यह झारखंड का संभवतः पहला पर्व है, यानी कि उन लोग भी श्योर नहीं है, अंग्रेजी में प्रोबेबली वर्ड डाल कर रखे थे, ओके ना, ध्यान रखिएगा। तो संभवतः कहा गया है कि यह झारखंड का पहला पर्व है, इसको ध्यान रखिएगा, फसल पर्व है। नेक्स्ट आता है भक्ता पर्व। तो यह बसंत और गर्मी के बीच मनाया जाता है, इसमें बूढ़ा पावा की पूजा की जाती है भक्ता पर्व में।
यह तमाड़ क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और सोहराय को याद रखेगा, इंपोर्टेंट है सोहराय, तो सोहराय कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, यह पशुओं का त्यौहार है। तो सोहराई और बंदना दोनों जो है पशुओं का त्यौहार है, इसको याद रखिएगा। तमाड़ रीजन रांची में ही पड़ेगा ना, सब कुछ याद रखिएगा। बाकी एक मंडा पर्व भी है जो कि भगवान शिव को जो है से समर्पित है, याद है ना, उसमें लोग जो है से जलते हुए अंगारों पर चलते हैं, ये मंडा पर्व है। आंसर इसका सी कर्मा हो गया। नेक्स्ट जाते हैं, धुमकुड़िया सामाजिक संगठन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, उराव, कुड़ुक, मुंडा या फिर संथाल? आंसर इसका ये उराव हो जाएगा। उराव लोग देखिए, उन लोगों को जो भाषा होता है उसको जो है से कुड़ुक कहा जाता है ना, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, तो ऑप्शन को टिक मत लगाइएगा, उराव इसका सही आंसर होगा। आइए कुछ देख लेते हैं। धुमकुड़िया जो होता है ऐसे एक प्रकार का ना युवा गृह होता है, यह उराव जनजाति से संबंधित है। बाकी उराव जनजाति में जो होता है वह धुमकुड़िया दो प्रकार का होता है, पहला होता है जोग एरपा और दूसरा होता है पेल एरपा। तो जो पुरुष का जो धुमकुड़िया होता है उसको जो है से बोला जाता है जोंग एरपा, और इसके प्रमुख को धांगर कहा जाता है। और जो पेल एरपा होता है वह लड़कियों का होता है, महिलाओं का होता है, याद रखिएगा। और इसका जो प्रमुख होता है उसको बड़की धांगरीन कहा जाता है, तो धांगर से धांगरीन, याद रखिएगा, नाम में थोड़ा सा बड़की छोटकी लगा लीजिएगा, तो ये बड़की धांगरीन हो गया। नेक्स्ट वो पॉइंट है कि जो उराव शब्द है उसका अर्थ मनुष्य होता है, ये सब याद रखिएगा। यहाँ तक कि एक बात ये भी है कि जो रांची आप लोग सब देखते हैं वह उराव भाषा की, उराव भाषा से ही एक, उराव भाषा का ही एक शब्द है रांची, जो कि रांची से निकल कर आया है, और यह रांची का अर्थ होता है रहने दो, ठीक है। चलिए, उराव लोगों की भाषा जैसे बताया, यहाँ पे देख लीजिएगा, कुड़ुक है जो कि द्रविड़ियन समूह से बिलोंग करता है, और इनके बारे में कहा जाता है कि उराव लोग जो है दक्षिण भारत से आए थे और मुंडा लोग तिब्बत से आए थे। उराव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसको पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। ग्राम का जो प्रमुख होता है उसको महतो कहते हैं, जो धार्मिक प्रधान होता है उसको पान कहा जाता है। उराव में देखिएगा तो गोत्र संख्या 14 होता है जिसको किली कहा जाता है, और संथाल जनजाति में देखिएगा तो 12 जो है से गोत्र पाया जाता है ना संथाल जनजाति में, वहां पे भूल गया था, याद रखिएगा, संथाल में 12 गोत्र होता है। नीचे यहाँ पे एक बुक है, द उराव ऑफ छोटा नागपुर, यह एसी राय के द्वारा लिखा गया है, शरद चंद्र राय के द्वारा। और एसी राय के द्वारा तो बहुत सारा बुक लिखा हुआ है, जैसे कुछ मुझे जो याद आ रहा है, द उराव ऑफ छोटा नागपुर है, उसके बाद द मुंडाज एंड देयर कंट्रीज है, द बिरहोर्स है, ये सब कुछ है, द खड़ियाज है, ये सब कुछ बुक इनके द्वारा लिखा गया है। और अभी बिरहोर्स का देखिएगा, हाल ही में 2023 में लेक्चर को डिस्कस कर रहा हूँ, तो बिरहोर का जो है अभी 100 वर्ष होने पर इसका ट्रांसलेशन किया गया है हिंदी में, ये सब कुछ याद रखिएगा। एक्स्ट्रा डोज में ये रहेगा, बिरहोर आ ही गया, कि बिरहोर जनजाति का जो युवा गृह होता है उसको गीतिहोना कहा जाता है, और मुरिया जनजाति का जो युवा गृह होता है उसको घोटुल कहा जाता है, ये सब कुछ एक्स्ट्रा डोज में याद रखिएगा। तो आंसर इसका उराव हो गया, ओके, ध्यान रखिएगा। जो मालतो भाषा है वो भी द्रविड़ियन फैमिली से ही बिलोंग करता है ना, ध्यान रखिएगा। निश्चित है, हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे गर्म पानी का झरना है, इसका तापमान कितना है? तो इसका तापमान जो है 87 डिग्री सेल्सियस 189 डिग्री फारेनहाइट है, ओके। झारखंड का देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें 87 डिग्री ही सेल्सियस है, लेकिन कहीं कहीं आपको 87.5 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिल जाएगा, ओके। तो 87.5 को कन्वर्ट कीजिएगा तो 90 डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट बोलता है झारखंड का डेटा, उसको आप लोग जो है से ज़्यादा ऑथेंटिक मानिएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट 87 डिग्री सेल्सियस कहता है, उसके अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर 87 डिग्री सेल्सियस 87 है फारेनहाइट में, 189 डिग्री फारेनहाइट याद रखिएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा सूरजकुंड कहाँ पे है, तो हजारीबाग में है। हजारीबाग में गांव है जिसका नाम है बेलकापी ग्राम, तो वहीं पे है। बहुत बार पूछा गया सूरजकुंड कहाँ है, सूरजकुंड कहाँ है, तो सब कोई जानता है कि हजारीबाग में है। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो पूछ देगा कि बताइए कि कौन सा गाँव है, तो बेलकापी याद रखिएगा। यहाँ पर टोटल 5 कुंड है ना, जिसमें सीता कुंड है, राम कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, ब्रह्म कुंड है, और यहाँ पे सूरज कुंड है। तो सबसे गर्म कुंड सूरज कुंड होगा। बाकी याद रख लीजिएगा, इसको याद करने का ट्रिक है कि पांचों कुंड का नाम आपको पता होना चाहिए। तो वनवास के कौन कौन गए थे, तो सीता गए थे, राम गए थे और लक्ष्मण गए थे, तीन तो ऐसे याद हो गया आपको, ओके। बाकी ये सब ब्राह्मण थे इस तरह से याद रख लीजिएगा, और सूर्यवंशी थे, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। बाकी सूर्य कम से कम तो जो सूर्य कुंड है उसको तो आप लोग भूलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम में। आइए कुछ एक्स्ट्रा डोज दे देते हैं। तो जो हजारीबाग जो शहर है ना, सॉरी जो जिला है, उसका नाम है द लैंड ऑफ थाउजेंड गार्डन्स, यानी कि हजार बागों का जिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि इसको भूमि बोल सकते हैं जिला। तो भाई शहीद निर्मल महतो पार्क भी हजारीबाग में ही है, एक्स्ट्रा डोज में देखिएगा। और ये जो है से झार पार्क, झार पार्क सुने होंगे, 2015 में आया था,
तो झार पार के अंतर्गत जो है 2015 में इसको शामिल किया गया था, झार क्राफ्ट 2006 में आया था। कन्फ्यूज मत कीजिएगा, मैं जब भी बताता हूँ तो दोनों को कनेक्ट करके बताता हूँ। बाकी यहाँ पे जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग में है। नेक्स्ट आता है सोराइकोवर पेंटिंग को, जो जीआईटेक 2020 मिला था हजारीबाग से ही निकलकर आया है। कोनार डैम यहाँ पे है जिसका निर्माण 1955 में किया गया था, कोनार नदी पर, हजारीबाग में ही है। नेक्स्ट आता है झारखंड पुलिस अकेडमी भी है यहाँ पे पदमा गाँव में, हजारीबाग। और बराकर नदी का उद्गम स्थान पदमा में है, ये भी याद रखिएगा। ओके, आंसर इसका हो चुका है, देख लिया आपने 87 डिग्री सेल्सियस। डिटेल में डिस्कस कर दिया सारा पॉइंट के, कुछ एक्स्ट्रा डोज भी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में किस क्षेत्र में फुफ्फुस रेतीली मिट्टी पाई जाती है? दामोदर घाटी क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, कोयलकारो क्षेत्र या फिर पलामू क्षेत्र? आंसर इसका ये हो जाएगा दामोदर घाटी क्षेत्र। तो दामोदर घाटी क्षेत्र में फुफ्फुस रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे देख लीजिएगा ये लिखा हुआ दामोदर घाटी क्षेत्र है। जो फुफ्फुस रेतीली मिट्टी है उसका निर्माण पैग्मेटाइट क्वार्ट्ज, उसके बाद कॉन्ग्लोमेरेटिक सैंडस्टोन के अपक्षय यानी कि सबसे टूटने से होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है देख लीजिएगा, फुफ्फुस बलुआ मिट्टी है, दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड देखिएगा जैसे कहा जाता है 5, लेकिन जो है से 6 मिट्टी गिना जाता है। लाल मिट्टी सबसे पहला आता है, तो झारखंड में सबसे अधिक जो है से लाल मिट्टी पाया जाता है। ग्रेनाइट और नीस बोला जाता है कि छोटा नागपुर के लगभग 90% क्षेत्र पर यह मिट्टी पाई जाती है, लेकिन कुछ अपवाद में याद रखिएगा, जो दामोदर घाटी का जो गोंडवाना चट्टान है और राजमहल क्षेत्र है वहाँ पे लाल मिट्टी नहीं पाया जाता है। जैसे कि फुफ्फुस बलुआ मिट्टी अभी डिस्कस किया, ये जो है दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, और राजमहल क्षेत्र में ब्लैक सॉइल यानी कि रेगुर मिट्टी पाया जाता है, काली मिट्टी। अगला पॉइंट में आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा। जो काली मिट्टी है वो बेसाल्ट से निर्मित होता है, राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है, ये राजमहल साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लैटेराइट मिट्टी, तो चूना और फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा इसमें होता है। पलामू के या दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, रांची के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, ढालभूम क्षेत्र में और पूर्वी राजमहल क्षेत्र में यह मिट्टी फैला हुआ है। अभ्रकीय लाल मिट्टी, अभ्रक कहाँ पे पाया जाता है? ओबीएसी बात है, आप लोग समझ में आ जाएगा, कोडरमा में। तो कोडरमा में आपको अभ्रकीय लाल मिट्टी देखने को मिलेगा, झुमरी तलैया है स्थान वहाँ पे, और मांडू और बड़का गांव जो ऐसे हजारीबाग में ही है। तो हजारीबाग और कोडरमा रीजन में काफ़ी ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कोडरमा में होता है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है रेतीली मिट्टी, तो यह पूर्वी हजारीबाग और धनबाद रीजन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है जलोढ़ मृदा, जिसमें आप लोग को पता होगा दो टाइप होता है इसको, बांगर और खादर। तो संथाल परगना वाले रीजन में पाया जाता है, और ये झारखंड की नवीनतम मिट्टी इसको कहा जाता है। ओके ना, आपको तो पता होगा बांगर और खादर किस तरह से याद करना है। तो जो बांगर होता है वो ओल्ड होता है, ठीक है, और जो खादर होता है वो न्यू होता है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। तो मैं ट्रिक बताया था कि बोल्ड कम से कम याद रखिएगा, बांगर जो होता है सो ओल्ड होता है, तो बोल्ड याद रहेगा ना, और खादर में खान होता है, ठीक है ना, खादर में। तो कम से कम एक तो याद रहेगा, दूसरा तो अपने आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, बांगर और खादर। तो बोल्ड याद रखिएगा और यहाँ पे खान याद रख लीजिएगा, बांगर और खादर। तो यहाँ से देख लीजिएगा, बोल्ड से याद रख लीजिएगा, बिफोर बोल्ड यानी कि बांगर, ओल्ड यानी कि जैसे पुरानी जलोढ़ मृदा होता है। ये सब कुछ पॉइंट था, आपने देख लिया सारा पॉइंट क्लियर होगा। दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है फुफ्फुसीय रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1948 में इसकी स्थापना किया गया था। एग्जैक्ट आपको डेट चाहिए तो वह 7 जुलाई 1948 का है, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जी का जिस दिन बर्थडे है उसी दिन है। ओके, कनेक्ट करके आप लोग याद रखिएगा। हाल में अभी 42वां बर्थडे भी मनाया गया था 2023 में महेंद्र सिंह धोनी जी का। ओके, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना के बारे में कहा जाता है, दामोदर नदी के बारे में बोला जाता है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे लंबी नदी है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि यह जो है रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिएगा, ये सब तो एक्स्ट्रा चीज है। यहाँ पे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जो डैम झारखंड में बनाया गया था वो सारा यहाँ पे इंपोर्टेंट डाला हुआ है, बाकी सारा आप लोग रीड कर लीजिएगा। तिलैया डैम है, कोनार डैम है, मैथन डैम है और पंचे डैम, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि ये जो किस नदी पर है, ठीक है ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है और किस ईयर में बनाया गया था, वह सारा इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला बनाया गया था यहाँ पे देख लीजिएगा, 1950 लिखा गया है शायद, ये तो है ही नहीं इसीलिए। तो देख लीजिएगा, सबसे पहला जो बनाया गया था वह तिलैया डैम था 1953 का, यह कोडरमा में है, झुमरी तिलैया देखेंगे फेमस है, यह बराकर नदी पे है।
काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और लास्ट जो था पंचायत डैम बनाया गया था 1959 में, बाकी बीच में देख लीजिएगा, पंचायत दामोदर पे है धनबाद में, मैथन जो है बराकर पे है धनबाद में, कोनार डैम बताया था कि कोनार रिवर पे है हजारीबाग में है, 1955-1957 है। तो डेट याद रखिएगा 53, 55, 57 और 59, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। बाकी डिस्कस कर ही देता हूँ, नीलांबर पीतांबर डैम है या मंडल डैम के नाम से इसको जाना जाता है, यह उत्तरी कोयल जो है से नदी पर है, बाकी ये लातेहार में है और 2019 में जैसे काम स्टार्ट हुआ था और अभी भी जैसे कंप्लीट ठीक से नहीं हो पाया है। मसानजोर डैम के बारे में सुने होंगे, इसको कनाडा डैम के नाम से जानते हैं या फिर ग्रेसन डैम भी कहा जाता है, यह म्यूराक्षी नदी पर जो है से बनाया गया है, दुमका में इसका लोकेशन है, 1956 में इसको बनाया गया था, ये सब याद रखिएगा। और अभी दुमका में म्यूराक्षी नदी पर झारखंड का सबसे लंबा जो है से नदी पुल भी बनाया गया है। म्यूराक्षी नदी देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। आई होप कि सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पालना डैम भी देख लीजिएगा, यह सोनरेखा रिवर पे है, सरायकेला खरसावा में है, 82 से 93 तक काम हुआ था, यानी कि 82 बोला जाता है ना, कहने का मतलब है कि 82 में काम शुरू हुआ था और 93 में कंप्लीट हुआ होगा, इस तरह से डेट दिया जाता है। नेक्स्ट आता है रांची में कैथोलिक चर्च की स्थापना कब हुई थी, 1909, 10, 11 या 12, सही आंसर इसका ए है 1909। तो 1909 में रांची कैथोलिक चर्च की स्थापना हुई थी, देख लीजिएगा रांची कैथोलिक चर्च की स्थापना जिसका नाम है ना संत मेरी चर्च, 1909 में हुआ था। झारखंड का अगर पहला चर्च देखिएगा तो जेईएल चर्च है जो कि रांची में लोकेटेड है। स्थापना इसका किया गया था 18 नवंबर 1851 को फादर गोसनर के द्वारा, और रांची में तो गोसनर कॉलेज का भी नाम सुने होंगे आप लोग। तो यह चर्च जो है गोथिक शैली में निर्मित है, तो झारखंड का जो पहला चर्च है जेईएल चर्च, डायरेक्ट पूछ देगा किस शैली में है, तो यह गोथिक शैली में निर्मित है, ऐसा पॉइंट कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है एक रांची कैथोलिक अभिलेखागार भी है जिसमें दो जिले झारखंड के शामिल है, इसे याद रखिएगा, रांची और लोहरदगा, ठीक है। स्थापना किया गया था रांची कैथोलिक अभिलेखागार का 25 मई 1927 को, आंसर 1909 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है झारखंड का वह कौन सा जलप्रपात है जहां से पानी 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, हिरनी, हुंडरू, दशम या फिर जोना, आंसर इसका बी हुंडरू होगा। तो यह अप्रोक्सीमेट जो है वैल्यू दे दिया गया था, मापने में हो सकता है थोड़ा बहुत हिरर हो जाए, नॉर्मली आप लोग विकिपीडिया पर सर्च कीजिएगा तो इसका जो हाइट है वह 98 मीटर आएगा। अब यहाँ पे ये स्लाइड है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो ऐसे टेलीग्राम पे भी इसको मैं शेयर करने वाला हूँ, ऐसे आई थिंक शेयर भी कर चुका हूँ इसको। तो आइए देख लेते हैं, इतना सारा आप लोग जलप्रपात करके चले जाइएगा तो मुझे नहीं लगता कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो छूटेगा। एक सीताफॉल है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, रांची में ही है, उसको मैं इसमें नहीं इंक्लूड किया हूँ, बाकी सारा वाटरफॉल को ये लगभग डिस्कस कर दिया हूँ। तो इतना आप लोग अगर वाटरफॉल कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम में मुझे लगता है कि वाटरफॉल से क्वेश्चन आएगा, तो 99% चांस है क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 1% कुछ भी हो सकता है, बाकी देख लीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं कुछ वाटरफॉल के बारे में, तो हुंडू तो उसका आंसर हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ओके, सबसे पहला पॉइंट आता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बुढ़ा गागा, इसको लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यह बुढ़ा रिवर पे है, नहीं तो इसको बुढ़ा रिवर भी कहा जाता है, लोकेशन इसका लातेहार में है, याद रखिएगा। इसका ऊंचाई इंपॉर्टेंट रहेगा, 143 मीटर है और यह पूरे झारखंड भारत का देखिएगा तो 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ओके, 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, यानी कि जिस नंबर का आपका हाईकोर्ट है झारखंड का, उसी नंबर का यह हाईएस्ट वाटरफॉल है। हुंडू जलप्रपात के बारे में देख लीजिएगा, यह जैसे सोनरेखा रिवर पे है और रांची में बनता है और 98 मीटर आसपास आया था ना, 100 यहाँ पे क्वेश्चन था, 100, तो लगभग जो है 98-100 के आसपास इसका हाइट है। बाकी याद ये रखिएगा कि ये जो वाटरफॉल है हुंडू, वह झारखंड का 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। दशम वाटरफॉल के बारे में याद रखिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांची नदी में बनता है, कांची या रांची में है, 44 मीटर इसका हाइट है, सबका हाइट आपको रटना नहीं है, हुंडरू का और ये जो बुड्ढा गाय का उसका कम से कम आप लोग याद रखिएगा, दो का। उसके बाद है आपका जोना, इसको ना गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है, इसको पीडीएफ में डाल दूंगा, तो गौतम धारा के नाम से जाना जाता है, यह रारू रिवर पे है, रांची में इसका लोकेशन है और देख लीजिएगा यह 43 इसका मीटर है हाइट। नेक्स्ट आता है रजरप्पा वाटरफॉल, तो रजरप्पा वाटरफॉल दामोदर और भैरवी नदी पे कन्फ्लुएंस बनता है, यह रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और इस 9.1 मीटर लगभग 30 फीट आता है, तो ये जलप्रपात देख लीजिएगा इसका हाइट भी किस नदी पे बनता है, इंपॉर्टेंट है, रजरप्पा टेम्पल है इसके चलते ना। बाकी यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो रजरप्पा वाटरफॉल है ना, एक लटकती घाटी का उदाहरण है, लटकती घाटी का उदाहरण इसीलिए है क्योंकि देखिएगा तो दामोदर रिवर में जो है से जो भैरवी रिवर है जिसको भेड़ा नदी बोलते हैं लोकल,
तो 30 फीट की ऊंचाई से गिरता है ना, 30 फीट यानी कि लगभग 9.1 हो जाएगा, एक जो मीटर होता है उसमें लगभग 3 फीट होता है, इतने से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो 30 फीट ऊंचाई से जैसे दामोदर नदी में पानी गिरता है, तो यह जो है एक लटकती घाटी का उदाहरण हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है पंचघाग। रांची को ना सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है, ऐसे यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो यह पंचघाग है, पेरवा घाग है ना, तो ये सब कहाँ पे है, तो ये सब जो है से बनई रिवर पे है, छोटा रिवर खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो मामला यहाँ पे एक और है गुमला में, सदनी घाग है ना, ये जो गुमला है उसको रांची से अलग किया गया, खूंटी है उसको भी जो है से रांची से ही अलग किया गया था, तो ये सब कुछ याद रखिएगा। तो इसीलिए उसको सिटी ऑफ वाटरफॉल कहते हैं, तो ये सब अलग हो गया, तब कम जो है से इसमें वाटरफॉल बचा रांची में। तो यहाँ पे था, देख लीजिएगा पंचघाग लोकेशन याद रखिएगा, बनई रिवर पे है खूंटी में, हाइट ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। पेरवा घाग छठा रिवर पे है खूंटी डिस्ट्रिक्ट में। हिरनी जलप्रपात यह रामगढ़ा रिवर पे है, यह मामला एक गांव है ना, ध्यान रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम में, तो ये चीज याद रखिएगा। सदनी घाग जो है शंख नदी पे है, गुमला में बनता है, सदनी जलप्रपात बोलेगा या फिर सदनी घाग भी बोल सकता है। नेक्स्ट आता है निचला घाघरी। निचला घाघरी घाघरी नदी पे है, ये लातेहार में है, ठीक है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है उसरी वाटरफॉल, तो ये उसरी नदी पर ही है गिरिडीह में। नेक्स्ट पॉइंट आपका मोतीझर वाटरफॉल, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह जो है से अजय नदी किनारे अजय नदी पर बनता है, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में, एकमात्र सर डिस्ट्रिक्ट है साहेबगंज जहाँ से होकर गंगा रिवर गुजरती है। राजमहल की पहाड़ियाँ भी यहीं पे है जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। नेक्स्ट आता है घघारी, देख लीजिएगा यहाँ पे घाघरी है, निचला घाघरी या फिर ऊपरी घाघरी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा वो जो है से लातेहारी पड़ेगा, घघारी बोलेगा तो वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। घघारी जैसे एक जमुना नदी पे है या रांची में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है सुखलदरी, यह कन्हा रिवर बनता है और गढ़वा में है, यह कन्हा रिवर पे बनता है। बाकी इसे क्वेश्चन एक बार जेपीएससी में ये आया था कि जो नदी है कन्हर वह छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है, तो सबसे पहले यह गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, तो गढ़वा के किस क्षेत्र से एंटर करती है, तो यह देखिएगा भंडरिया, तो गढ़वा में भंडरिया से कन्हा रिवर निकलती है। बाकी आप लोग सर्च कीजिएगा, तो ये जो सुखलदरी है इसका कुछ हिस्सा जो है से आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, ओके, क्योंकि ये कन्हा रिवर पे बनता है ना, तो कन्हा रिवर छत्तीसगढ़ से निकलकर आती है। तो सब कुछ पॉइंट याद रखिएगा, गढ़वा में इसका लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसलें पैदा की जाती है, तो इसका आंसर 3 है, तो 3 होगा आपको पता होगा, रबी खरीफ और जायद, यही 3 तरह के फसल है, ध्यान रखिएगा। झारखंड की जो सबसे प्रमुख फसल है उसमें देख लीजिएगा चावल है जो कि खरीफ फसल है, मक्का है और गेहूं है, तो चावल और मक्का दोनों खरीफ आता है और गेहूं जो है एक रबी फसल के अंतर्गत गिना जाता है। चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वह सिंहभूम वाले रीजन में होता है ना, सिंहभूम मतलब पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम आप लोग याद रखिएगा, 1990 में आपको पता होगा इसको अलग किया गया था पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम को। बाकी चना का सबसे अधिक उत्पादन देख लीजिएगा पलामू में होता है और रागी का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है इसे गुमला में होता है। झारखंड में जो सबसे अधिक जो खरीफ फसल की जाती है झारखंड में जो सबसे अधिक जो फसल किया जाता है वह खरीफ फसल है, लगभग देखिएगा तो 69.75 होता है, तो इसको राउंड अप कीजिएगा तो आप लगभग 70% बोलिए, तो सबसे ज्यादा झारखंड में खेती किया जाता है वह खरीफ फसल किया जाता है, लगभग 70% सिर्फ खरीफ ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, खरीफ फसल को दो भाग में बांटा गया है, एक भदई होता है एक अघनी होता है, ये सब कुछ याद रखिएगा भदई और अघनी। नेक्स्ट आता है झारखंड में जो झूम खेती होता है उसका नाम क्या है, तो करुआ, तो पूछेगा कि झूम खेती को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है, तो करुआ याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 तरह का जो है यहाँ पे फसल है, डिटेल में डिस्कस कर दिया, इससे रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर दिया। 1857 की क्रांति में पूरे सिंहभूम क्षेत्र के नेता कौन थे, राजा दुर्जन साल, राजा अर्जुन सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सिंह या फिर टिकत उमराव सिंह, आंसर इसका बी राजा अर्जुन सिंह होगा। ये जो राजा अर्जुन सिंह थे वह पोरहाट के राजा थे, याद रखेगा, तो 1857 की क्रांति के दौरान पूरे सिंहभूम क्षेत्र में यही राजा थे, ठीक है। इनके पिता का नाम था अत्युत सिंह। बाकी यहाँ पे और भी जो ऑप्शन है उसको क्लियर करता हूँ, जो राजा दुर्जन साल थे वह नाग वंश के राजा थे, जहांगीर ने इनको 12 साल तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था, बाद में 6,000 रुपये सालाना कर के पर जो है से छोड़ा गया था। हीरे की इनको अद्भुत जो है से पहचानने की क्षमता थी ना, हीरे का जो है पहचानने की क्षमता अद्भुत था, जिसके चलते प्रभावित होकर जहांगीर जो है से छोड़ दिया था इनको। यह देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी जेपीएससी में पूछा गया है, कितना रुपया, तो 6,000 रुपया याद रखिएगा, 12 साल कैद किया गया था ग्वालियर के किले में। नेक्स्ट आता है ठाकुर विश्वनाथ सिंह, तो ये भी जैसे नागवंशी ही राजा थे, मुक्ति वाहिनी सेना का जैसे गठन किया गया था इनके द्वारा।
बाकी टिक है तो उमराव सिंह 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, क्रांतिकारी हैं। तो रामगढ़ के जो चुट्टू पाली घाटी आपको याद होगा, तो चुट्टू पाली घाटी है वहां पे जो ऐसे विद्रोह का दमन किए थे, ये सब कुछ याद रखिएगा। टिकैत, उमराव सिंह और शेख भिखारी, चुट्टू पाली घाटी में जो ऐसे इनको फांसी दे दिया गया था दोनों को, ये सब कुछ याद रखिएगा। बाकी झारखंड देखिएगा तो अंग्रेजों का सर्वप्रथम जो प्रवेश था वह सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था, 1965-67 के आसपास हुआ था, क्योंकि जो दीवानी मिला था आगे डिस्कस करूंगा, जो बंगाल बिहार उड़ीसा के जो दीवानी मिला था वह मिला था 1765 में सालम द्वितीय के द्वारा, अंग्रेजों को जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको, तो उसी के तहत जैसे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। ये सब कुछ पॉइंट याद रखिएगा, राजा अर्जुन सिंह आंसर हो जाएगा। और झारखंड में 1857 की क्रांति सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था वह देवघर में हुआ था ना, देवघर में रोहिणी ग्राम से, और जो रोहिणी ग्राम है वह अजय रिवर के किनारे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो यह शुरू हुआ था अप्रैल 1914 को, ये सब कुछ याद रखिएगा। डेट भी याद रखिएगा, 1914 नहीं अप्रैल 1914 याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 में शुरू हुआ था, इसके नेता जो थे वो जतरा भगत थे या फिर जतरा उन्नाव इनको कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ताना भगत आंदोलन था उसका संबंध किस जनजाति से था, तो उरांव जनजाति याद रखिएगा, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। नेक्स्ट आता है यह आंदोलन अपने अंतिम चरण में 1919 के असहयोग आंदोलन से जुड़ गया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1914 में आंदोलन शुरू हुआ लेकिन बाद में आपको पता होगा 1919 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो जो गांधी जी का यह आंदोलन था उसमें जाकर यह विलय हो गया था, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 1914 याद रखेगा, जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू किया गया था। झारखंड में कुछ विद्रोह है देख लीजिएगा, सबसे पहले आता है हो विद्रोह, तो सिंहभूम का राजा यह जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1820-21 में, हो विद्रोह। कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत थे, 1831-32 में हुआ था। यहाँ पे देख लीजिएगा पोटो को फांसी दिया गया था 1 जनवरी 1838 को, ये सब इसी से रिलेटेड कुछ नेता थे। तमाड़ विद्रोह देख लीजिएगा भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1782 में। मुंडा विद्रोह आपको पता होगा 1895 में हुआ था और 1899 में, ठीक है, तो यानी कि लगभग आगे पीछे मतलब थोड़ा बहुत आंदोलन चलते रहता था लेकिन मिलने रूप से 1895 और 1899 में हुआ था। तिलका मांझी विद्रोह, ये जो हुआ था तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था 1784 में, सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। इनको जो है झारखंड में पहला शहीद होने का और झारखंड का पहला क्रांतिकारी होने का गौरव प्राप्त है तिलका मांझी को, ठीक है। इनका मूल नाम जबरा पहाड़िया था। खेरवार आंदोलन को देख लीजिएगा, इसको सपाहार आंदोलन बोलते हैं, भगीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था 1874 में, इसको उलट पलट दीजिएगा डेट आ जाएगा। ताना भगत आंदोलन डिस्कस कर चुका हूँ। भूमि जो विद्रोह है वो ढालभूम में हुआ था गंगा नारायण के नेतृत्व में, और अंग्रेज जो है इसको बोले थे कि यह गंगा नारायण का हंगामा, भूमिज विद्रोह को 1832-33 में हुआ था, ये सब कुछ याद रखेगा। भूमि जो शब्द है उसका मतलब होता है भूमि से उत्पन्न, सारा पॉइंट हो चुका है अप्रैल 1914 याद रखेगा। नेक्स्ट आता है छोटा नागपुर के निम्नलिखित आदिवासियों में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं होगा सॉरी यहाँ पे सदस्य होगा ना, सदस्य थे एनआई होरो, जयपाल सिंह, सुशील कुमार बाजी, उसके बाद कार्तिक उराव, आंसर इसका भी जयपाल सिंह होगा, पूरा नाम इनका क्या था जयपाल सिंह मुंडा। देख लीजिएगा यहाँ पे आदिवासी इनके द्वारा ना कुछ काम किया गया था वो सब कुछ याद रखेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आदिवासी महासभा का जो है गठन किए थे, तो आदिवासी सभा का जो प्रारंभिक नाम था वह झारखंड महासभा था, ये पॉइंट याद रखेगा। 1938 में इसका गठन किया गया था, मराम गांव के इन्हीं को कहा जाता है जयपाल सिंह मुंडा को, तो याद रखेगा इन्हीं के द्वारा गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो यूनाइटेड झारखंड पार्टी है इसका गठन 1948 में किया गया था जस्टिन रिचर्ड्स के द्वारा। उसके बाद 1950 में क्या हुआ कि जो आदिवासी महासभा है और यूनाइटेड झारखंड पार्टी है मर्ज हुआ और झारखंड पार्टी यानी कि झापा का जो है गठन किया गया था 1950 में, ठीक है, ये सब कुछ याद रखिएगा। उसके बाद 1952 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें 32 सीटें जो है से झारखंड पार्टी जीत कर आई थी, उस समय चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप यानी कि रोस्टर छाप था, ये सब कुछ याद रखिएगा। तो यह जयपाल सिंह है, इनका जो मूल नाम था ना वह वेनंद पहान था और यह ईसाई धर्म अपनाए थे, तो उसके बाद जो है इनका नाम ईश्वरदास हो गया था। बिरसा मुंडा का जो बचपन का नाम था वह दाऊद मुंडा था। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, वन का मनुष्य, प्रकृति प्रेमी मनुष्य, पवित्र मनुष्य या फिर सामान्य मनुष्य के रूप में, आंसर इसका वन का मनुष्य होगा। देखिएगा तो बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरहोर का क्या अर्थ है, तो जंगल का आदमी यानी कि वन का मनुष्य, सेम चीज है। तो झारखंड देखिए कुछ शब्द है ना, झारखंडी शब्द है और उसके क्या क्या अर्थ है देखिएगा। तो आवा मतलब क्या होता है, तो आवा मतलब पिता होता है, ठीक है, धरती आबा किसको कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा को, तो आवा का मतलब पिता होता है।
हाथू का मतलब गांव होता है, बुरु मतलब पहाड़ होता है, हुल का मतलब क्रांति या आंदोलन होता है, उलगुलान का मतलब विद्रोह या आंदोलन होता है, बिरहोर जैसा बताया जंगल का आदमी होता है, बिरेजिया का मतलब जंगल का मछली होता है, भूमिज का मतलब भूमि से उत्पन्न होता है, कोबर का मतलब होता है को मतलब गुफा होता है, और वर मतलब दूल्हा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ढोकलो शहर में जो होता है वो खड़िया समाज में आपको ने डिस्कस किया था अभी, तो खड़िया समाज में होता है। ढोकलो का अर्थ बैठक या सभा होता है, और शहर का मतलब अध्यक्ष होता है। ठीक है, इस तरह से यह बैठक का अध्यक्ष इसका अंतर होता है ढोकलो शहर का। बैगा का जो अर्थ होता है पुरोहित होता है। मरांगुम के मतलब होता है अगुआ या सर्वश्रेष्ठ नेता। मरांगुम के किसको कहा जाता है, तो यह जयपाल सिंह मुंडा कहा जाता है, तो इसका मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ नेता। ओलन बाहा का मतलब अलंकार पुष्प होता है। ओलन बाहा जो है एक रचना है, यह है आपका जोबा मुर्मू के द्वारा, ना ध्यान रखिएगा, जिसके लिए 2017 में इनको बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया गया था जोबा मुर्मू को। सरोल का मतलब होता है साल वृक्ष की पूजा। और दिशम गुरु का मतलब होता है देश का गुरु। ये सब कुछ याद रखिएगा। दिशम गुरु शिबू सोरेन को कहा जाता है, जो कि झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। लाख शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, यक्ष लक्ष तक्षक या फिर दक्ष। आंसर इसका भी लक्ष होगा। तो लक्ष शब्द लाख शब्द की उत्पत्ति लक्ष शब्द से हुई है। लाख का अर्थ होता है, देख लीजिएगा यहाँ पे, सॉरी, लाख शब्द की उत्पत्ति लक्ष होती है, लक्ष होता है, और लक्ष का जो अर्थ होता है वह 100,000 होता है, यानी कि 100,000। तो 100,000 को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो कन्फ्यूज आप हो रहे होंगे, या एक ही लाख आएगा, एक पर 5 जीरो आया ना, तो 5 जीरो में लाख हो जाता है, एक और होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लाख मतलब लाख। ठीक है, बाकी लाख जो है उसका वैज्ञानिक नाम देख लीजिएगा, केरिया लाका है, ये सब देख लीजिएगा। लाख का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, तो खूंटी, उसके बाद सिमडेगा और गुमला है। बाकी देख लीजिएगा, यहाँ पे भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है वह रांची में है। 1924 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। बाद में 2007 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, उसका नाम आई उसके बाद NRG है। इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे अधिक लाख का उत्पादन झारखंड में ही होता है, 50% से ज़्यादा अकेले होता है, इसे लाख का चूड़ी बनाया जाता है। बाकी आपको एक चीज़ याद होगा, जब पांडव वन में गए थे तो उनका जो घर बनाया गया था तो वह जो है से लाख का ही बनाया गया था, बहुत जल्दी यह जलता है। आंसर इसका बी है लक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1907 में इसकी स्थापना किया गया था। बाकी यही कुछ पॉइंट देख लेते हैं। टिस्को ना 26 अगस्त 1907 की इसकी स्थापना किया गया था, और बाद में इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था, अब इसको टाटा स्टील लिमिटेड कहा जाता है। तो अब नॉर्मली आपको टिस्को नजर नहीं आएगा, टाटा स्टील के नाम से आप लोग सुनते होंगे, लिमिटेड भी फ्रीक्वेंट मतलब कम यूज किया जाता है, नॉर्मली आप लोग इसका टाटा स्टील लिमिटेड नाम सुनेंगे। 2005 में इसका नाम चेंज किया गया था। संस्थापक थे जमशेदजी टाटा और दुराबजी टाटा, और ये जो किया गया वह जमशेदपुर में किया गया, याद रखिएगा, और जमशेदपुर यह पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि जो जमशेदपुर है वह स्वर्ण रेखा और खरकई रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर बनता है। नेक्स्ट है इसमें लोहे की जो आपूर्ति, अगर मान लेते हैं स्टील है तो उसमें क्या बनता है, स्टील दो तरह का होता है, एक आयरन प्लस कार्बन से बना होता है, एक आयरन के साथ क्रोमियम प्लस निकेल बना होता है। तो ऊपर वाला जैसे नॉर्मली स्टील होता है बर्तन में यूज होता है, और ये जो होता है स्टेनलेस स्टील होता है, और स्टेनलेस स्टील का यूज तो बहुत जगह होता है, एरोप्लेन सबका बॉडी भी बनाने के लिए भी स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है, और भी हार्ड स्टील आपको बनाना है तो उसके लिए यही मटेरियल यूज किया जाता है। तो लोहे का उत्पादन यहाँ पे 1911 में शुरू हुआ था, और स्टील का उत्पादन 1912 में शुरू हुआ था, ये सब कुछ पॉइंट याद रखेगा। बाकी जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है उसका हेड क्वार्टर मुंबई में है, छोड़ा नहीं हूँ, मुंबई में है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, तो ये थे प्रभात कुमार, आंसर इसका डी है। झारखंड में जितने राज्यपाल अब तक हैं 2023 तक, जुलाई 2023 में लेक्चर को डिस्कस कर रहा हूँ, अब तक जो है 11 राज्यपाल बन चुके हैं, जो कि सीपी राधा कृष्णन है, 18 फरवरी को यह शपथ लिए थे, देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे पहले थे प्रभात कुमार, 15 नवंबर को यह बने थे, 15 नवंबर 2000 को 3 फरवरी तक रहे थे, 1 वर्ष 80 दिन तक थे, पहला बार कुछ काम होता है तो याद रखिएगा, 1 साल और 80 दिन रहे थे। बाकी देख लीजिएगा, सेकंड में वीसी पांडे आए थे, और वीसी पांडे के बारे में बोला जाता है कि एडिशनल चार्ज इनको दिया गया था। एडिशनल करने का मतलब है कि बिहार का राज्यपाल रहते हुए जो ऐसे राज्यपाल बने थे, तो हो सकता है कि JPSC एग्जाम में आगे पूछा जाए कि कितने राज्यपाल जो थे अब तक झारखंड में एडिशनल चार्ज रह चुके हैं। ठीक है, तो एकमात्र राज्यपाल थे। थर्ड देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सारा पॉइंट तो हो चुका है।
सबसे लंबे समय तक जो रही हैं राज्यपाल, वो 9वीं राज्यपाल थी झारखंड की, जिनका नाम था द्रौपदी मुर्मू, और ये पहली महिला गवर्नर थी झारखंड की। याद रखिएगा 6 साल 56 दिन तक रही थी लॉन्गेस्ट, इसे पॉइंट याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे एमओए जो फारूक हैं, ये जो रहे थे 22 जनवरी 2010 से लेकर 3 सितंबर 2011 तक, 1 साल 224 दिन तक। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि 34वां जो नेशनल गेम हुआ था उसका उद्घाटन यही किए थे, यानी कि इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। आपको पता होगा जो रांची में हुआ था, झारखंड का स्थान 5वां था, हम लोग टोटल मेडल 96 जीते थे। सारा चीज को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के अधीन कब आया? 1764, 1765, 1772 या फिर 1773? सही आंसर इसका 1765 होगा। जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस किया था कि जो बिहार ये सब बंगाल था, ये सब का जो दीवानी था वह दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये काम किया गया था 1765 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसके चलते जो है से यहाँ पे बिहार बंगाल उड़ीसा के दीवाने जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुका था, जिसके चलते जैसे ये लोग छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किए। तो पहली बार अंग्रेजों को देखिएगा तो चतरा का संपर्क में आए थे 1769 में, चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और उसके बाद पलामू को देखिएगा तो पलामू के साथ जो चेरों के साथ संघर्ष हुआ था वह 1772 में हुआ था। ये सब कुछ पॉइंट याद रखिएगा, ओके। तो 1765 डेट याद रखिएगा। सबसे पहला बार संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? 1856, 1876, 1858 या फिर 1859? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1856। तो एक जो है 1856 में भी आया था पहले, देख लीजिएगा। एक जो है यहाँ पे रूल था, अधिनियम बोलिए एक तरह का, तो जो 1856 में जो पारित अधिनियम था वह आदिवासियों के शोषण पर आंशिक प्रतिबंध लगाया था। तो बहुत पहले का है, आज़ादी से पहले का था। तो लगाया गया था यह अधिनियम बंगाल के साथ संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों के भूमि के विक्रय पर रोक लगाता है। तो ये सब कानून बहुत पहले बनाया गया था, कंफ्यूज मत कीजिएगा। बाद में भी जो है से एक जो है से लाया गया था संथाल परगना, ना संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट, यह लाया गया था 1949 में। ये सब याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, 1 नवंबर 1949 को जो है इसको लागू किया गया था, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। नेक्स्ट है आपका, इसमें असंत जो पूछा जाता है कि जो एसपीटी एक्ट है उसमें कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं, तो 9 आप लोग याद रखिएगा, 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 9×8=72 हो जाएगा। तो याद रखिएगा 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं कुल। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब अस्तित्व में आया? 1834, 1835, 1836, 1837? आंसर इसका डी है 1837। तो जो विल्किंसन कानून आया था 1837 में आया था, इसको देख लीजिएगा, यह कोल्हान क्षेत्र में लागू किया गया था, ओके। कोल्हान क्षेत्र में क्या है अभी कोल्हान देखिएगा तो यह जो है कोल्हान क्षेत्र है, वह कोल्हान डिवीजन में अभी 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। बाकी इस कानून के तहत देखिएगा तो मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था है उसको कानूनी मान्यता दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि पूछता है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था को कौन सा कानून जो है से मान्यता दिया, तो विल्किंसन कानून है, याद रखिएगा 1837 का। नेक्स्ट पढ़ने सारा लगते हुए आ रहा है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसको सीएनटी एक्ट के नाम से जानते हैं ना, तो जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम था वह कब लागू किया गया था, तो 1908 में, इसको याद रखें। पॉइंट इंपोर्टेंट ये रहेगा कि ये जो लागू किया गया था 11 नवंबर 1908 को किया गया था। बाकी कुल अध्याय इसमें 19 और धाराएं जो है 271 हैं। तो याद रखिएगा यह एक जो है बिरसा मुंडा विद्रोह का परिणाम था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये जो छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट है वह किस विद्रोह का परिणाम था, तो आप लोग कनेक्ट करके थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि क्या था 1900 तक लगभग बोली 1899 तक कौन सा युद्ध विद्रोह चला था, तो चला था बिरसा मुंडा विद्रोह, और बाद में 1908 कुछ दिन के बाद 8-9 साल के बाद। तो याद रख सकते हैं कि यह बिरसा मुंडा जो विद्रोह था उसी के बाद जो है से लाया गया था, तो उसी का यह परिणाम था। बाकी इस अधिनियम में आइए कुछ प्रोविजन देख लेते हैं। तो इस अधिनियम के तहत गैर आदिवासियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई और मालिकाना हक की रक्षा की गई। कहने का मतलब अगर आप आदिवासी नहीं हैं तो उनका भूमि का हस्तांतरण आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये सब इसमें प्रोविजन किया गया था। नेक्स्ट है, सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? बिरहोर, संथाल, मुंडा या फिर उरांव?
तो यह संथाल जनजाति का जो है सबसे बड़ा त्यौहार है सोहराई। इस तरह देख लीजिएगा, सोहराई है, इस तरह का किया जाता है आर्ट। और सोहराई कोवर पेंटिंग को 2020 में GI टैग दिया जा चुका है। और जो सोहराई कोवर पेंटिंग है वह हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से निकलकर आया है। ये जो सोहराई कोवर पेंटिंग है इसको मुराल आर्ट कहा जाता है ना, मुराल आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं दीवार है मिट्टी का, कच्चा मकान है, तो इस पर डायरेक्ट बनाया गया है, इसीलिए इसको मुराल आर्ट कहा गया है। ओके, ये सब कुछ याद रखिएगा। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है, तो ये आता है 4480 फीट ना, देख लीजिएगा। आइए, ये जो ऊंचाई है उसमें कुछ आपको कन्फ्यूजन भी हो जाएगा, आइए कन्फ्यूजन कब होगा आपको बताते हैं। जैसे देखिएगा, विकिपीडिया कहता है कि इसका 1365 मीटर है, ऐसे आप लोग सर्च भी कीजिएगा कि पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है, तो तुरंत जो गूगल सर्च करके देगा वह जो है 1365 मीटर ही देगा, क्योंकि गूगल के पास अपना कुछ डेटा नहीं होता है, वह डेटा अलग अलग जगह से उठाता है। ओके ना, क्योंकि वह एक सर्च इंजन है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा 4480 फीट आ जाएगा अगर 1365 मीटर को आप लोग जो है से कन्वर्ट कीजिएगा फीट में। तो दूसरा पॉइंट है, झारखंड का आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा ग्रेट डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें आपको ना हाइट इसका 1350 मीटर ही मिलेगा, 1365 नहीं है। और इस तरह से इसका 4431 या 30 के आसपास जो है से फीट इसका आंसर आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1365 वाला भी जेपीएससी में, और जेएससीसी में 4430-31 के आसपास ऑप्शन था, तो याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप इन लोगों को नहीं करना चाहिए, अपडेट कर देना चाहिए कि एक्चुअली में है कितना, क्योंकि आप लोग खुद कन्फ्यूज हो जाइएगा एक बार सर्च करके देखिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर 1350 और विकिपीडिया 1365 इसको बोलता है। बाकी झारखंड के तीन सबसे ऊंचे शिखर देख लीजिएगा, सबसे पहले आता है समय शिखर 4430, ये पारसनाथ हिल है उसी को बोला जाता है ना, ध्यान रखिएगा। गुलगुल पथ आता है 3819, ये गढ़वा में है। और सारंडा हिल आपको पता होगा, सारंडा हिल एक जगह पे नहीं है, वे सिंहभूम इसी में फैला हुआ है, लेकिन अधिकतर पार्ट इसका जो है वे सिंहभूम में है। सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा साल वृक्ष का वन जो है यहीं पर है, ये सब कुछ याद रखिएगा। समय शिखर ग्रेडी डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। यह पारसनाथ है ना, पारसनाथ जिसको बोलते हैं आप लोग, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और 24वें थे महावीर। बोला जाता है कि जो जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे उनमें से 20 को जो है से जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी वह यहीं पे हुआ था। 24वें जो महावीर थे उनका तो पता होगा, सरवन बेलगाला में हुआ था मोक्ष की प्राप्ति। 4480 फीट याद रखिएगा, सारा चीज डिस्कस कर दिया, कहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार को क्या नाम है, टूसू, बाहा पर्व, सरहुल या फिर करमा? आंसर इसका सही होगा, आदिवासियों को जो फूलों का त्यौहार है वह सरहुल को कहा जाता है। देख लीजिएगा, इस तरह से कुछ सरहुल होता है, सरहुल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वृक्ष तो आपको पता होगा, जो सूर्या रोबस्टा ट्री है वह झारखंड का स्टेट ट्री है ना, ये साल वृक्ष होता है, इसको सखुआ भी कहा जाता है, ठीक है। अभी झारखंड में 2023 में डिस्कस कर रहा था कि जो वन महोत्सव हुआ 2023 में वह हेमंत सोरेन शुरू किए थे, और वो जो था से सखुआ के पेड़ का लगाकर ही किए थे, ये सब कुछ याद रखिएगा। इस तरह से कुछ पूजा होता है सरहुल, डिटेल में बहुत बार डिस्कस किया था इसको, आज की क्लास में डिस्कस हो चुका है। झारखंड की कौन सी नृत्य शैली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात, कौन सी नृत्य शैली को होना चाहिए यहाँ पे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुआ है, पाइका, जदुर, जावा या फिर छऊ? तो इसका सही आंसर डी, छऊ हो जाएगा। तो छऊ नृत्य को जो है से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुआ है। आइए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो है फेमस है छऊ। छऊ के प्रकार अलग अलग होता है, और छऊ के बारे में कहा जाता है कि जिस रीजन से निकल कर आया है उसका नाम जो है उसी रीजन के नाम पर दे दिया जाता है। जैसे झारखंड में एक सरायकेला रीजन से निकल कर आया है तो इसको सरायकेला छऊ कहा जाता है। उसके बाद पुरुलिया छऊ है, तो पुरुलिया जो है से आपका है पश्चिम बंगाल में जगह है, तो वहाँ से जो निकल कर आया छऊ उसको पुरुलिया छऊ कहा गया। उड़ीसा के जो मयूरभंज से निकल कर आया उसको मयूरभंज छऊ कहा गया। तो तीन तरह का जो है मेली छऊ होता है, वो सब कुछ याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, झारखंड में छऊ गुरु है ना, जिनका नाम है तपन पटनायक, और तपन पटनायक को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी दिया जा चुका है 2022 में। वेंकैया नायडू दिए थे उपराष्ट्रपति इनको अवार्ड, ठीक है। संगीत नाटक अकेडमी का स्थापना 1953 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पाइका नृत्य ऑप्शन में था ना, तो पाइका नृत्य जो होता है उसमें लोग ऐसे ढाल और तलवार के साथ नृत्य करते हैं, या ऐसे ही पूछ सकता है कि सैनिक भेष में किस नृत्य में रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये एक ओजपुर नृत्य है। जो नृत्य देख लीजिएगा, सरहुल के अवसर पर किया जाता है,
चलिए, इसमें रंग प्रिंग जो है से कपड़े पहनकर महिलाएं करते हैं, लेकिन कभी कभी पुरुष भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जदु नृत्य को याद रखिएगा। तो सारा चीज हो चुका है, छऊ याद रखिएगा। झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी या फिर अर्जुन मुंडा? तो आंसर तो इसका इजी है, बाबूलाल मरांडी थे। बाकी झारखंड का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है जितने सीएम बने, अब तक इतने ही सीएम बने हैं, इससे ज्यादा नहीं बने हैं। पहले बाबूलाल मरांडी थे, पहला तो सबको याद रहता है, दूसरा भी कम से कम याद रखिएगा, अर्जुन मुंडा सेकंड पे आए थे। उसके बाद शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और फिर रघुवर दास आए थे। तो आपको लग रहा हो कि अभी जो है से हेमंत सोरेन है तो ये अभी तक क्यों नहीं है, मतलब आगे क्यों नहीं है, छठा नंबर क्यों है? तो देखिए नंबर देखिएगा तो सीएम के नंबर पोजीशन में देखिएगा तो ये पांचवा ही थे। इनका दूसरा बार अपॉइंटमेंट हुआ था, पहले ये दुमका सीट से चुनाव लड़े थे और अभी जो है से बरहेट सिहैया विधायक हैं। ये सब कुछ याद रखिएगा हेमंत सोरेन के बारे में, 2023 में इस लेक्चर को डिस्कस कर रहा हूँ। आगे आप लोग 4 साल बाद देख रहे होंगे या 2 साल बाद, तो सारा चीज जो है से हो सकता है चेंज है, कुछ कुछ चीज सब तो चेंज हो नहीं सकता है। ओके, तो रघुवर दास के बारे में देख लीजिए, छठे मुख्यमंत्री थे और अब तक झारखंड में 6 ही मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि अब तक 3 मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा, उसका रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी, 3 बीजेपी के थे, यानी कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री झारखंड में बीजेपी से ही बने हैं। 2 बार जैसे जेएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से बने हैं और 1 जो बने थे वह निर्दलीय थे, मधु कोड़ा, ठीक है? तो ये तो पूरा हिला कर रख दिए थे पूरा इंडिया को उस समय। तो ध्यान रखिएगा निर्दलीय जगन्नाथपुर से विधायक बने थे, तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। ओके, सारा चीज हो चुका है, लिखा हुआ भी यहाँ पे 2023 तक सारा अपडेटेड है। बाकी मुख्यमंत्री के बारे में यहाँ पे देख लीजिएगा, किसी राज्य के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है वह राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 164 के तहत। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है से मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु जो है 25 वर्ष होना चाहिए और अनुच्छेद 167 ये कहता है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। ओके, यानी कड़ा का काम करता है कौन? मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच मुख्यमंत्री कार्य करते हैं, ठीक है ना? उसी तरह से जिस तरह से राज्यपाल जो है से किसी एक राज्य और राष्ट्र जो है से केंद्र सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं, उसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो सारा चीज डिस्कस कर चुका हूं। बाकी एक पॉइंट यहां पे ये याद रखिएगा कि जो सीएम होते हैं झारखंड कोई भी स्टेट का, उसमें एक होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको आप लोग जीएसडी में लगा लीजिए, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको अधिसूचित 2008 में किया गया था, नोटिफाई किया गया 2008 में और 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल डिजास्टर झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। तो उसका जो हेड होते हैं ना, वह किसी भी राज्य में हमेशा से मुख्यमंत्री ही होते हैं, ये सब कुछ पॉइंट याद रखिएगा। और बाकी झारखंड जो कैबिनेट होगा उसका जो मीटिंग होगा उसको हेड मुख्यमंत्री ही करेंगे, 15% होता है मुख्यमंत्री का परसेंटेज देखिएगा, ठीक ना? जितना भी सीट होता है उसका 15% होना चाहिए और से बोला जाता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो 12 से कम नहीं हो सकता है सदस्य की संख्या। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झारखंड के किस शहर में स्थित है? रांची, धनबाद, बोकारो या फिर जमशेदपुर? तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BIT सिंदरी, ठीक है? तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन गलत होता है, ध्यान से देखा कीजिए, BIT सिंदरी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा रांची ना, धनबाद नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, आइए आगे देखते हैं। तो देखिएगा जो BIT है, BIT में जो मिश्रा है वह रांची में है, तो इसमें जो BIT का फुल फॉर्म है वह बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। गलत करके इसीलिए बताया क्योंकि गलती मत कीजिएगा आप लोग। तो BIT मिश्रा का नाम है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और BIT सिंदरी या धनबाद में है, इसका फुल फॉर्म होता है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले इसको बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2000 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब क्यों चेंज किया गया, इसके पीछे का रीजन आपको पता होगा, झारखंड अलग कर दिया गया था, ठीक है? तो बिहार इसको क्यों रखे झारखंड में, बाकी देख लीजिएगा। इसको IIT का दर्जा दिया गया था 2016 में, 1949 में इस्टेब्लिश हुआ कौन, BIT सिंदरी। 2005 में इसका नाम चेंज करके इसको जो है से बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया, पहले बिहार था, और 2016 में इसको IIT का दर्जा दिया जा चुका है। ऑलरेडी क्वेश्चन इसे पूछा चुका है कि जो BIT सिंदरी उसमें बी का क्या मतलब है, तो बिरला, बिरसा और 2-4 ऑप्शन करके दे देगा, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना? ध्यान रखिएगा, आई थिंक SI में क्वेश्चन पूछा गया था, JSSI 2017 में। BIT मिश्रा को 1955 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो आई होप कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, आंसर इसका रांची होगा। नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज,
इनमें से किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? बैंड बाजा बारात, लंच बॉक्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर या फिर फिराक? सही आंसर इसका सी होगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो गैंग्स ऑफ जो वासेपुर मूवी था वह धनबाद में बनाया गया था, मतलब धनबाद जो जिला है उसके पृष्ठभूमि पर आधारित है। आइए देखते हैं, मूवी रिलीज हुआ था 2012 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जेपीएससी में पूछा गया था, छोटे छोटे एग्जाम में डायरेक्टर का नाम भी पूछा जा सकता है। तो अनुराग कश्यप जो है इस मूवी को डायरेक्ट किए थे। इसमें जो कास्ट देखिएगा, जो एक्टर थे मनोज वाजपेयी थे। आप लोग रील्स देखते होंगे या फिर शॉर्ट देखते होंगे तो उसमें डायलॉग बोला जाता है, क्या भाव सिर फैला के रखे हो, ठीक है। तो वो जो है मनोज वाजपेयी डायलॉग बोलते हैं, तो वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का ही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा, रिचा चड्ढा, हुमा कुरैशी और कुछ दिव्यांशु धुलिया, ये सब कुछ हैं इसमें कास्ट। यह फिल्म धनबाद के जो कोयला माफिया गैंग था उस पर जो है आधारित है। 1941 से 2009 तक जो चला था माफिया गैंग, उसके इर्द गिर्द यह मूवी घूमता है ना, ध्यान रखिएगा। और वासेपुर धनबाद का एक कस्बा है, ये सब कुछ याद रखिएगा। इसलिए आंसर इसका धनबाद हो गया था, ध्यान रखिएगा। झारखंड से क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वासेपुर कहाँ पे है, किसी तरह से पूछा जाए तो आज क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मौत को छूकर टक से वापस आ सकता हूँ, ये डायलॉग है ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, यही बोल रहा था उसमें। तो आज के क्लास में इतना ही, आई होप कि क्लास काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। PDF आप लोग @learnersgraduation टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवीजन में काम आएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि एक बार में आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी मिलते फिर अगले क्लास में, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा।